हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियलाइज एकेडमी। हमारा लेक्चर है कंटिन्यूएशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। लास्ट लेक्चर में जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल का पहला लेक्चर था, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी पैकेजिंग मटेरियल के बारे में, और लास्ट हमने हॉट फिलिंग देखा था, हॉट फिलिंग कैसे होती है। अब एसेप्टिक फिलिंग ऑफ बॉटल से हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस सी एसेप्टिक फिलिंग ऑफ बॉटल्स। देयर आर सेवरल सिस्टम्स अवेलेबल फॉर एसेप्टिकली फिलिंग ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल्स फॉर स्टील जूस। स्टील जूस की फिलिंग के लिए बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जिनके द्वारा जो ग्लास है उसमें एसेप्टिक फिलिंग की जा सकती है, एज वेल एज प्लास्टिक बॉटल्स में भी एसेप्टिक फिलिंग की जा सकती है। In the first system, the inner surface of a pre-made open necked bottle is sterilized. अगर पहले system की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो bottle होती है open necked bottle होती है कुछ इस तरीके से। bottle तो बहुत गंदी बनाई मैंने, लेकिन काम चला सकते हैं आप लोग। open necked bottle होती है, इसकी internal surface को sterilize किया जाता है। Traditionally by wet sterilization using peracetic acid. Traditional method है sterilization का, peracetic acid की मदद से इसके द्वारा इसको sterilize किया जाता है। और increasingly by dry sterilization या फिर dry sterilization का भी use किया जा सकता है, using hydrogen peroxide. In gaseous form, dry sterilization के लिए gaseous form में हाइड्रोजन परोक्साइड का यूज किया जाता है। अ मोर रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोसेस इज टुवर्ड्स प्री फॉर्म रादर देन बॉटल स्टरलाइजेशन। अगर रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें इस प्रोसेस में, दैट इज टुवर्ड्स प्री फॉर्म रादर देन बॉटल स्टरलाइजेशन, विच हैज द एडवांटेज ऑफ लोअर मीडिया यूज एंड अलाउइंग लाइटर बॉटल्स टू बी ब्लोन। इसमें क्या होता है, लोअर मीडिया का यूज़ होता है और जो लाइटर बॉटल्स होती हैं वो ब्लो कर जाती हैं, उड़ जाती हैं, एज अ श्रिंकेज इज लेस ऑफ एन इशू, क्योंकि जो लाइट बॉटल्स होती हैं उनमें श्रिंकेज देखा जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लोन हो जाती हैं। अ लेस कॉमन एसेप्टिक फिलिंग सिस्टम यूजेस एन एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग ऑपरेशन। जो एक लेस कॉमन स्टेप भी है, फिलिंग का सिस्टम भी है, जिसमें कि एक एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस अ बॉटल, बॉटल को प्रोड्यूस करने के लिए। अभी ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है, ताकि इसमें गैस और लाइट बैरियर्स को ऐड किया जा सके। सो टू प्रोड्यूस अ बॉटल मोल्डेड अंडर स्टेराइल कंडीशंस, ताकि स्टेराइल कंडीशंस में बॉटल मोल्ड को फॉर्म किया जा सके। व्हाइल द बॉटल इज स्टिल स्टेराइल एंड द पॉलीएथिलीन इज सॉफ्ट, द ट्रिम मटेरियल अबव द नेक फिनिश इज क्रिम्प्ड क्लोज टू द सील द बॉटल। बॉटल स्टेराइल होती है, लेकिन जो इसका पॉलीथीन वाला जो पार्ट होता है, पॉलीएथिलीन जो होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, और जो ट्रिम मटेरियल होता है नेक फिनिश के पास में, वो क्रिम्प हो जाता है। इन द थर्ड सिस्टम, ब्लो फिल सील और ब्लो मोल्डिंग मशीन इज इंटीग्रेटेड विद एन एसेप्टिक फिलर एंड कैपर। जो ब्लो फिल सील होती है या फिर जो ब्लो मोल्डिंग मशीन्स होती हैं, उनको एसेप्टिक फिलर और कैपर के साथ में इंटीग्रेट कर लिया जाता है। इट्स प्रिंसिपल इज टू स्टरलाइज द परफॉर्म नॉट द फॉर्म्ड बॉटल। इसका काम क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जो प्री फॉर्म बॉटल होती है उसको स्टरलाइज किया जाए, ना कि जो फॉर्म्ड बॉटल है उसको। विद हाइड्रोजन परोक्साइड, और प्री फॉर्म बॉटल को स्टरलाइज करने के लिए हाइड्रोजन परोक्साइड का यूज़ किया जाता है। एट द एग्जिट फ्रॉम द ब्लोवर हीटर ओवन, जैसे ही ब्लोवर हीटर ओवन से एग्जिट होता है, देन ब्लो द प्री फॉर्म विद स्टेराइल एयर इन अ स्टेराइल एनवायरमेंट
and maintain its sterility throughout the filling and corking process. जो प्री फॉर्म बॉटल होती है ब्लो करती है स्टेराइल एयर के साथ में स्टेराइल इन्वायरमेंट में, और उसकी अपनी जो उसकी स्टेरिलिटी होती है उसको पूरी फिलिंग और कैपिंग प्रोसेस के दौरान अपनी स्टेरिलिटी को मेंटेन करके रखती है। अनदर अल्टरनेटिव इज द फॉर्म फिल सील सिस्टम विच प्रोड्यूसेस a thermoformed tapered container with a foil seal. इसमें क्या होता है, एक thermoformed taper container होता है जिसमें कि foil seal होती है, and it is very much like a yogurt pot. Yogurt pot सभी ने देखा होगा, ये उसके जैसा ही होता है. Containers are thermoformed starting from a roll of multi-layered plastic film. इसमें जो containers होते हैं ये फॉर्म होते हैं एक मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक फिल्म से रोल होते हुए, देन फिल्ड विद द स्टेराइल प्रोडक्ट, उसके बाद में इनमें स्टेराइल प्रोडक्ट की फिलिंग कर दी जाती है. क्लोज्ड बाय अ थर्मोस सील्ड पीलेबल लिड, थर्मोसील्ड इसमें पीलेबल लिड लगाई जाती है, एंड फाइनली कट टू द डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है डिजायर्ड मिल जाता है तो वहीं से इसको कट कर दिया जाता है. यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एसेप्टिक पैक्स, किस तरीके से एसेप्टिक पैकेजिंग की गई है इनके आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. अब आता है लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्शन. एज टू पी स्किन्स एंड पीईटी बॉटल्स are now made with very thin side walls. जो cans होती हैं, जो PET bottles होती हैं, वो बहुत thin side walls की होती हैं, उनमें side walls जो होती हैं बहुत thin होती हैं. So their ability to resist vertical top loads is limited. इसलिए इनकी जो ability होती है कि इनकी vertical top पे जो load होता है उसको कितना load ये बर्दाश्त कर सकती हैं, ये एक बहुत limited होता है, लिमिटेड एबिलिटी होती है इनकी वर्टिकल टॉप लोड को रेजिस्ट करने की. दिस इज नॉट एन इश्यू इफ फिल्ड विद कार्बोनेटेड प्रोडक्ट, अगर इसको कार्बोनेटेड प्रोडक्ट के साथ में फिल किया जा रहा है तो वहाँ पर ये इशू नहीं देखने को मिलता है. बट इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर नॉन कार्बोनेटेड प्रोडक्ट, लेकिन नॉन कार्बोनेटेड प्रोडक्ट्स के लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है. अब आते हैं हम बॉटल्स पे. व्हेन चूजिंग अ बॉटल एंड द मटेरियल, जब बॉटल का और मटेरियल का सिलेक्शन हो रहा होता है, चूज किया जा रहा होता है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर नॉट ओनली द इंटेंडेड मार्केट एंड पैकेज साइज बट ऑल्सो द प्रोडक्ट टू बी कंटेंट the shelf life and the filling requirements. जब आप bottles को और materials को choose कर रहे हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि market में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस packaging का जो size है वो क्या होना चाहिए, और product है जो जो packaging आप बनाएंगे वो आपके product को कितने समय तक सुरक्षित रख सकती है, कितनी shelf life उसकी बढ़ा सकती है, और साथ ही साथ उस पैकेजिंग की फिलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है बॉटल्स के लिए या फिर बॉटल्स के मटेरियल को लेते समय. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड हेड स्पेस, एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर होता है कि जो हेड स्पेस होता है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि कोई भी आप बॉटल लेते हैं वो पूरी ही फिल नहीं होती, उसमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है, तो जो वॉल्यूम होता है अनफिल्ड हेड स्पेस का, डिज़ाइन इनटू द बॉटल फॉर पाश्चराइज्ड और नॉन कार्बोनेटेड प्रोडक्ट और कार्बोनेटेड प्रोडक्ट, ये पाश्चराइज्ड या कार्बोनेटेड प्रोडक्ट्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है. द प्रोफाइल ऑफ द बॉटल शोल्डर, जो बॉटल शोल्डर है उसकी प्रोफाइल की अगर बात करें, एंड द नेक डायमीटर, जो बॉटल की नेक होगी उसका डायमीटर कितना होगा, आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि कोई भी आप बॉटल ले रहे हैं
let me draw again. कि कोई भी आपने बॉटल ली तो उसका जो बॉटल का शोल्डर है ये वाला जो पार्ट है, इसके साथ ही जो बॉटल की नेक का डायमीटर है, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. द स्मॉलर द डायमीटर ऑफ द क्लोजर एंड द मोर टैपर्ड द नेक और शोल्डर द मोर एक्सेग्रेटेड द चेंज इन फिल लेवल बिकम्स. जितना ज़्यादा छोटा डायमीटर होता है या जो नेक शोल्डर है जो बॉटल का वो जितना ज़्यादा टैपर्ड होता है वहाँ पे जो फिल का लेवल है उसमें चेंज एक्सेग्रीगेटेड चेंजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. अब आता है ग्लास. ग्लास बॉटल्स ऑफर एंड एक्सीलेंट सेल्फ लाइफ. जो ग्लास बॉटल्स होती हैं ये सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद करती हैं. As the material is impermeable to gases, preventing both oxygen ingress and loss of carbon dioxide from sparkling drinks. क्योंकि ये जो bottles होती हैं glass bottles, ये gases के लिए impermeable होती हैं. इसके impermeability की वजह से oxygen नहीं अंदर आ पाती है और ना ही जो अंदर carbon dioxide है वो बाहर जा पाती है. However, glass is not always the best material for beverage product. हमेशा ये best material नहीं होते क्योंकि exceptions तो हर जगह पे ही देखे जाते हैं. In sensitive locations, जो sensitive locations होती हैं वहाँ पे ये best material नहीं होते हैं packaging के लिए, क्योंकि such as sport और event stadium, कोई भी event stadium है या sports है, swimming areas हैं या फिर beach हैं, इन जगहों पे जो ग्लास बॉटल्स होती हैं इनको सुटेबल मटेरियल नहीं माना जाता है. वेयर ब्रोकन ग्लास कैन बी अ सिग्निफिकेंट हैजार्ड. क्योंकि जो ब्रोकन ग्लास होता है उससे एक हैजार्ड देखा जा सकता है, उससे खतरा हो सकता है और उससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं. इन रीसेंट ईयर्स द यूज ऑफ प्लास्टिक क्लोजर और ग्लास बॉटल्स हैज़ ग्रोन. आजकल का जो टाइम है, जो रिसेंट ईयर है, उसमें प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. कंज्यूमर्स यूजुअली फाइंड द टैक्टाइल प्रॉपर्टीज, ईज ऑफ ग्रिप एंड सेफ्टी ऑफ प्लास्टिक क्लोजर सुपीरियर टू आरओपीपी मेटल क्लोजर. जो आप कोई भी जैसे कि ग्लास बॉटल लेते हैं तो उस पर जो क्लोजर होता है वो क्लोजर तो ग्लास का होता नहीं है, वो आप किसी भी मेटल का ही लगाते हैं. तो जो भी मेटल का क्लोज़र होता है और जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, जो प्लास्टिक का क्लोज़र होता है, तो प्लास्टिक का जो क्लोज़र होता है वो इजी ग्रिप देता है, अच्छे से आप उसको पकड़ के ओपन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं. लेकिन जो मेटल क्लोज़र होते हैं उनके साथ में ये इतनी अच्छी ये ग्रिपिंग वाली चीज़ नहीं देखी जाती है, इसलिए प्लास्टिक बॉटल्स को प्रेफर किया जाता है ओवर ग्लास बॉटल्स. However, care has to be taken over how the sealing system works to retain the carbonated gas. इस चीज़ की केयर रखनी होती है कि जो सीलिंग सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है ताकि जो कार्बोनेटेड गैस है किसी भी प्रोडक्ट में वो उसके अंदर ही रहे. सिंस द इंटरनल प्रेशर हैज़ टू बी रिलीज बिफोर द क्लोजर रिलीज इटसेल्फ फ्रॉम द थ्रेड फिनिश. अब आता है पॉलीथाइलीन टेट्रा, इट इज टेरेप्थलेट. सो पीईटी रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टर्म्स ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल टू द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूस मार्केट. जो पीईटी है ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है और इसने बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस भी कर दिए हैं पैकेजिंग मटेरियल्स के टर्म्स में. सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस को पैक करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मटेरियल बन के आया है. पीईटी हैज़ अलाउड द ड्रिंक इंडस्ट्री टू डेवलप इनटू मोर फ्लेक्सिबल एंड लार्जर सप्लाई चेन. पीईटी की वजह से बहुत फ्लेक्सिबल और लॉन्ग लार्जर सप्लाई चेन बन गई है, क्योंकि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मटेरियल है पैकेजिंग के लिए. PET offers a package with superb clarity, एक इसमें clarity होती है, unbreakability, break नहीं होता है,
एंड कंसिस्टेंट नेक फिनिश, और जो नेक फिनिश होता है वो बहुत कंसिस्टेंट होता है। इन कंसिडरिंग पीईटी फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन थॉट नीड्स टू बी गिवन टू द प्रोसेसेस एंड सेल्फ लाइफ रिक्वायरमेंट। अगर पीईटी का यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि जो प्रोसेस है और जो सेल्फ लाइफ के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखा जाए इन टर्म्स ऑफ द बॉटल वॉल थिकनेस। बॉटल की जो वॉल की थिकनेस है उसके टर्म्स में रिजिडिटी एंड बैरियर प्रॉपर्टीज, और बॉटल की रिजिडिटी क्या है, बैरियर प्रॉपर्टीज क्या है, इनका भी ध्यान रखा जाए। पीटी बॉटल्स आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड इन टू स्टेजेस। दो स्टेज में पीटी बॉटल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। फर्स्ट अ प्री फॉर्म सिमिलर इन अपीरियंस टू अ टेस्ट ट्यूब विद अ थ्रेडर टॉप इज प्रोड्यूस्ड बाई इंजेक्शन मॉड्यूलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैं बताती हूँ। नंबर एक पे है परफॉर्म फीड, प्री फॉर्म फीड। नंबर दो पे आता है प्री फॉर्म लोडिंग स्टेशन, यहाँ पे लोडिंग की जाती है प्री फॉर्म की। नेक्स्ट है लीनियर ओवन, जो थर्ड वाला है ये लीनियर ओवन है। फोर्थ पे आता है ट्रांसफर स्टेशन, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये ट्रांसफर स्टेशन है। नेक्स्ट फिफ्थ पे है ब्लोइंग व्हील, फिफ्थ पे ये ब्लोइंग व्हील है जो कि ब्लो करता है। सिक्स नंबर पे है ट्रांसफर स्टेशन अगेन, सिक्स एंड फोर दोनों ही ट्रांसफर स्टेशंस हैं। सेवेंथ पे अगर बात करें तो आता है बॉटल डिस्चार्ज स्टेशन, यहाँ से बॉटल्स को डिस्चार्ज किया जाता है। एंड एर्थ नंबर पे है बॉटल एयर कन्वेयर पिकअप, एर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं ये बॉटल एयर कन्वेयर पिकअप है। कुछ इस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग यूनिट होती है, देख सकते हैं आप डायग्राम में। एज विद ऑल प्लास्टिक्स पीटी इज परमिएबल टू गैसेस लेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड ऑक्सीजन इन। जैसे कि सारी प्लास्टिक की बॉटल्स के साथ में होता है, पीटी के साथ में भी यही प्रॉब्लम है कि ये गैसेस का एक्सचेंज करवा देती है, क्योंकि ये परमिएबल है और इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। The shelf life requirements need to take into account the sensitivity of the liquid to oxygen. Shelf life के requirements होती हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि जो भी liquid है उसकी oxygen के लिए sensitivity क्या है। The ambient temperature and storage conditions, किस temperature पे इसको store करके रखना है, ambient temperature उसका क्या है, both in distribution and at the point of sale, जहाँ से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और जो पॉइंट ऑफ सेल है, दोनों ही जगह पे उसकी सारी ही सेल्फ लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है। फॉर सेंसिटिव प्रोडक्ट द बैरियर परफॉर्मेंस ऑफ पीईटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ अदर मटेरियल्स टू द पीईटी। जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें अगर बैरियर परफॉर्मेंस की बात करें पीटी की, तो इसको कुछ और मटेरियल्स के एडिशन के द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है, और प्रोबेबली बेटर बाय एडिंग डिस्क्रीट लेयर्स ऑफ हाई बैरियर मटेरियल। हाई बैरियर मटेरियल की लेयर्स को ऐड करके भी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, सच एज इथाइलिन विनाइल एल्कोहल। इथाइलिन विनाइल एल्कोहल एक ऐसा मटेरियल है जो कि बैरियर परफॉर्मेंस को, पीईटी की बैरियर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में मदद करता है। अब आता है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, इसको HDPE भी बोलते हैं, बॉटल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क के लिए हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन बॉटल्स का यूज़ किया जाता है। एंड कैन बी अ लोअर कॉस्ट अल्टरनेटिव फॉर पीटी, और ये पीईटी के लिए एक लोअर कॉस्ट अल्टरनेटिव हो सकते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर जूस ड्रिंक्स एंड फ्लेवर्ड मिल्क ड्रिंक्स।
इनका यूज़ अगर बात की जाए तो फ्रेश मिल्क के अलावा जूस ड्रिंक्स में किया जाता है और फ्लेवर्ड मिल्क ड्रिंक्स के लिए भी किया जा सकता है। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन बॉटल्स आर मेड यूजिंग एंड एक्सट्रूजन ब्लो प्रोसेस। एक्सट्रूजन ब्लो प्रोसेस का यूज़ किया जाता है इन बॉटल्स को बनाने के लिए, वेयर द प्लास्टिक इज मेल्टेड एंड एक्सट्रूडेड इनटू अ होलो ट्यूब। यहाँ पे प्लास्टिक को मेल्ट करके एक होलो ट्यूब में एक्सट्रूड कर दिया जाता है, विच इज़ देन कैप्चर्ड बिटवीन टू हॉब्स ऑफ अ कूल्ड मेटल मोल्ड, जिसको कि जो कूल्ड मेटल मोल्ड होते हैं उनके टू हॉब्स के बीच में कंट्रोल कैप्चर करके रखा जाता है। एयर इज देन ब्लोन इनटू द पैरसन। एयर को ब्लो किया जाता है इनफ्लेटिंग इट इनटू द शेप ऑफ द बॉटल, और इस एयर की वजह से जो बॉटल है वो अपना शेप गेन कर लेती है। नेक्स्ट आता है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन बॉटल्स हैव द एडवांटेज दैट दे आर इनहेरेंटली हॉट फ्लेवर। ये ऐसी बॉटल्स होती हैं कि इनमें आप हॉट फिलिंग करा सकते हैं लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक एंड रिटॉर्टेबल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये रिटॉर्टेबल होती हैं। द बॉटल्स आर नॉर्मली एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डेड। जो बॉटल्स होती हैं अगेन सेम प्रोसेस का यूज़ किया जाता है एक्सट्रूजन ब्लो मोल्ड, जैसे कि इसमें किया जा रहा था हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन के लिए, एंड कैन ऑल्सो भी मेड विद मल्टी लेयरिंग, और इनको मल्टी लेयरिंग के साथ में भी बनाया जा सकता है टू इंक्लूड बैरियर्स अगेंस्ट ऑक्सीजन परमिएबिलिटी, ताकि जो ऑक्सीजन की परमिएबिलिटी है, ऑक्सीजन जो बॉटल्स के अंदर आ सकती है उसके लिए बैरियर बनाया जा सके। पॉलीप्रोपाइलीन यूजुअली हैज़ अ मिल्की अपीयरेंस। पॉलीप्रोपाइलीन का एक मिल्की अपीयरेंस देखा जाता है पर्टिकुलरली व्हेन एम्प्टी। ज़्यादातर जब बॉटल्स एम्प्टी होती हैं तब पॉलीप्रोपाइलीन का एक मिल्की अपीयरेंस देखा जाता है। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड। एज पीईटी टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड, जैसे जैसे पीईटी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई एंड इन हाउस ऑपरेशंस ग्रो किए, द यूज़ ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड हैज़ डिसकंटिन्यूड इन द वेक ऑफ हेल्थ स्केयर एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन रिसेंट ईयर्स। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड था उसका यूज़ डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि इससे हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे थे और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी हो रहे थे रिसेंट ईयर्स में, इसलिए इसका यूज़ कम हो गया। मच ऑफ दिस हैज़ बीन लिंक्ड टू पब्लिक एंड मीडिया मिसकंसेप्शन। ज़्यादातर ये हुआ है पब्लिक और मीडिया मिसकंसेप्शन की वजह से एंड कन्फ्यूज़न विद अदर पीवीसी एडिटिव्स एंड यूज़। जो पीवीसी एडिटिव्स थे उनके यूज़ की वजह से, कन्फ्यूज़न की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि इसका जो ग्रोथ थी वो कम हो गई और पीटी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ज़्यादा हो गया। प्लास्टिक प्रॉपर्टीज। The properties of the common plastics used for packaging depends on many factors. जिस प्लास्टिक को पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। गैस परमिबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एम्बियंट और स्टोरेज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है तो गैस की परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि गैस के मोलिक्यूल्स ही ऐसे होते हैं, उनको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है, हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो इधर से उधर भागने लगते हैं, इसलिए उनकी परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए जिस प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है वहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है कि स्टोरेज टेम्परेचर क्या है। इसके साथ ही अगला फैक्टर है ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक गैस परमिएबिलिटी इंक्रीजेस विद ह्यूमिडिटी इन पॉलीमर्स। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है पॉलीमर्स में, एटमॉस्फेरिक गैस परमिएबिलिटी में इंक्रीमेंट देखा जा सकता है।
दैट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ऐसे पॉलीमर्स जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से गैस की परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. दिस इज एन इशू व्हेन EVOH इज यूज्ड एज एन ऑक्सीजन बैरियर लेयर इन अ लिक्विड ड्रिंक बॉटल. और ये केस तब ज़्यादा देखा जाता है जब EVOH की बॉटल्स को यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन बैरियर की तरह. कोई भी लिक्विड ड्रिंक की जो बॉटल है उसमें ऑक्सीजन को रोकने के लिए ऑक्सीजन बैरियर की तरह EVOH की यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम देखा जा सकता है. क्योंकि ये जैसे जैसे जो पॉलीमर्स हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जिसके साथ ही जो एटमॉस्फेरिक गैस है उसकी परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या, ऑक्सीजन अंदर आने लगेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोडक्ट में वो बाहर की तरफ जाने लगेगी. तो इससे एक इश्यू क्रिएट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इंटैक्ट नहीं रह पाएंगी. तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्लास्टिक्स के लिए होती हैं, जो प्लास्टिक यूज़ की जाती है पैकेजिंग मटेरियल की तरह पैकिंग में. उनमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेन फैक्टर्स होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इन्हीं का देखा जाता है. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप या तो ITLS Academy की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn etc. सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like, share and subscribe to our YouTube channel. If you are having any query or any doubt, feel free to contact on our helpline number 7080833450. So thank you very much everyone. Thank you for watching this session.